सिंगल फूड पॉकेट। आज फूड पॉकेट की किचन में बनने जा रहा है एक नए तरह के शेक है जो कि कोकोनट से बनी हुई है, कोकोनट मिल्क शेक। कोकोनट से ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बनी है, आपने खाया होगा, लेकिन ये वाला ज़रूर आप ट्राई करना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाली है। आइए फिर बनाने चले। कोकोनट मिल्क शेक बनाने के लिए मैं देखिए यहाँ पर ये पानी वाला जो नारियल होता है ना, मैं इसको ली हूँ और पानी इनमें से निकाल दी हूँ तोड़ के। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ये वाले जो इसकी सेल है ना, इसको हम ऐसे पीट के ना, ये नीचे का जो है पोर्शन इसको निकालेंगे और ये वाला हम पीटेंगे। ऐसे करके हमें पीट पीट के इसको निकालनी है। ऐसे हम हल्का हल्का इसको पीट लेते हैं और ये किसी भी चाकू या किसी चीज़ की मदद से ना हमें ऐसे इसको, ये देखिए ऐसे करेंगे ना तो ये नीचे का पोर्शन अलग हो जाएगा और ये रह जाएगा। सारे ऐसे तोड़ के रख लेते हैं। सारा पीसेस देखिए हमने निकाल रखा है। इसको हम क्या करेंगे, अभी इसके जो पीछे वाले जो हिस्सा है ना ब्राउन कलर दिख रहे हैं, इसको हम ना ऐसे ये छिलका निकाल देंगे इसके पीछे से। हमने इसकी देखिए पिछले वाले जो हिस्सा है ना सारे पील कर लिया है। अब इसको एक ग्रेटर की मदद से ना हम क्या करेंगे, उसको ग्रेट करेंगे। ऐसे सारे ना ग्रेट करके रख लेते हैं। अभी नारियल को हमने देखिए ग्रेट कर चुके हैं, इसको हम क्या करेंगे, एक ऐसे ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें सारे नारियल जो है, नारियल हम इसमें डालेंगे। देखिए इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके हम मिल्क, चिल्ड मिल्क डालेंगे। मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ देखिए, फिर बाद में हमें और एक बार इसमें डालना है। और इसमें शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट में इतना थोड़ा सा ही डाल रही हूँ, ये 1/4 कप है। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हमने ग्राइंड करके ले लिया है और यहाँ पर मैं एक बाउल ली हूँ और इसमें एक स्ट्रेनर रखी हूँ और इसमें हम क्या करेंगे, ये डाल के ना स्ट्रेन कर लेते हैं अच्छी तरह। ये देखिए हमने सारा निचोड़ लिया इसमें और इसको फिर से हम ना थोड़ा सा मिल्क डाल के फिर से ग्राइंड करेंगे। इसको हम डाल लेते हैं ग्राइंडिंग जार में। इसमें थोड़ी सी हम क्रश करके इलायची डालेंगे और एक बार हमें इसमें ना थोड़ा मिल्क डालना है और इसको अच्छी तरह ग्राइंड करना है। इसे भी हम ग्राइंड करके ले लिए हैं। आइए इसको फिर अच्छे से स्ट्रेन कर लेते हैं। ये हमारा अच्छी तरह देखिए स्ट्रेन हो चुका है और ये जो निकला हुआ है ना इसका, इसको हम, इसको आप फेंकिएगा मत, इसको ना चटनी बना सकते हैं या सब्जी में भी डाल सकते हैं, कुछ भी इसके यूज हो सकता है। आइए हम ना कोकोनट मिल्क शेक को अभी सर्व करते हैं। पहले एक मैंने यहाँ पर देखिए मग ली हूँ और इसमें हम आइस क्यूब डालेंगे। और इसमें हमारी जो कोकोनट मिल्क हमने निकाला था इसको डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इसमें मैं थोड़ी सी ना केसर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, जिसको पसंद है वो डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ना चेरी से डेकोरेट करते हैं। हमारा कोकोनट मिल्क शेक बनके तैयार हो गया है।
इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, गर्मियों का मौसम है ये, बड़े अच्छे लगेंगे सबको। फिर मिलते हैं नए एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।